This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारा आयुर्वेदीय शरीर के बारे में अभी व्याख्यान सत्र चल रहा है, तो उसी श्रृंखला में आज हम अस्थि धातु की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अस्थि धातु जो है वो चतुर्थ धातु है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से जो धातुओं का वर्णन आया है, क्रम से वर्णन आया है, उसी क्रम से हम एक एक धातु की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने मेद धातु की चर्चा की थी, आज हम अस्थि धातु के बारे में डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सात धातु है और इनको दूष्य भी कहा है क्योंकि ये दोषों के द्वारा दूषित होते हैं। तो रसास्त्रुक मांसमेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवाः सप्तदोषाः, इस प्रकार से हमें सात धातु क्रमवार मिलते हैं, उसमें से अस्थि धातु की चर्चा आज हम कर रहे हैं। अस्थि धातु के द्वारा हमने क्या अर्थ जानना है, तो बोन्स और बोन से ही संबंधित या बोन से सदृश और एक स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी में होता है वो है कार्टिलेजेस। तो बोन्स और कार्टिलेजेस हम अस्थि धातु में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अस्थि धातु का श्रेष्ठ कर्म हम आगे देखेंगे, तो उसका कर्म जो है धारण कर्म है। तो स्नेहन कर्म मेदो धातु का है और धारण कर्म जो है वो अस्थि धातु का है। अष्टांग हृदय में हमें भट्टाचार्य जी समझाते हैं, प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण ही। तो धारण कर्म जो है वो अस्थि धातु का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्थि धातु की निरुक्ति। तो अस्थि यह संस्कृत शब्द है, वो अस और विशेषतः अस्यते इति अस्थि। तो अस धातु में किथन प्रत्यय लगकर अस्थि शब्द बनता है। तो इसका अर्थ जो हो जाता है टोटल, तो स्टेबिलिटी ऐसे हो जाता है। तो स्टेबिलिटी से यानी स्थिरता हम हिंदी में कहेंगे, तो स्थिरता जो होती है वो द्योतक है शरीर में, उसी से बोन या कर्नेल ऑफ फ्रूट यानी बीज की जो अस्थि होती है या बीज का जो कठिन उसका जो आवरण होता है उसको अंग्रेजी में कर्नेल कहते हैं। तो एनीवे, तो तस्मात् चीर विनष्टेषु त्वंग मांसेषु शरीरिणाम अस्थिनि न विनश्यन्ति सारानि एतानि देहिनाम, ऐसे सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। यानी यह सबसे कठिनतम ऐसे सप्त धातु में से धातु है और यही एक धातु है कि सब जो है रस, रक्त, मांस और मज्जा, शुक्र इत्यादि सब गल जाते हैं शरीर के अवयव, लेकिन मृत्यु के बाद भी ये सब गल जाने के बाद जो कुछ भी मिलता है तो वो है अस्थि। इसीलिए तस्मात् चीर विनष्टेषु यानी जो बहुत देरी से नष्ट होता है, इस प्रकार से उसका हमें अर्थ पता चलता है। तो अस्थि लिटरली मीन्स बोन्स, वी टेक द मीनिंग इट एज अ बोन और स्केलेटल सिस्टम दैट which stays a long time or which doesn't get destroyed easily. So, सबसे पहले तो जो osseous tissue है, टिश्यू शब्द का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि साइंस के विद्यार्थी जो है वो अच्छे से समझ सके। तो दिस सप्त धातु इज नथिंग बट द सेवन कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बॉडी टिश्यू। सो इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन of this asti dhatu is to hold body frame, और जैसे मैंने धारण कर्म जो है वो मुख्य कर्म है, ठीक है। आगे जाएंगे, तो according to Sushruta, it is substance which remains even after else very part like fresh then muscles, these all are the shattered. Even after burying the body after death, it remains as last identity of a person even after demise. That is nothing but
द बोन और द अस्थि। तो जो हलायु कोश है शब्द स्टोमक में भी, इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिमेन्स स्टिल लॉन्ग पीरियड इवन आफ्टर डेथ, दैट इज द अस्थि। सो हड जो है वो सिनोनिम है, और हलायुष कोश जो है उसमें मांसाभ्यंतरस्थे हाड इति अस्यते क्षिप्यते यत अस्थि। तो इस कोश के द्वारा जो आखिर तक रहता है शरीर में, अगर आखिर तक कुछ रहता है तो वह है अस्थि, उसको हाड, यह भी पर्यायवाची शब्द है। तो अस्थि इज द हार्ड एंड द स्टेबल धातु विच गिव सपोर्ट टू मांस पेशी स्नायु एटसेट्रा। सो प्रत्यक्ष शरीरम जो गणनाथ सेन जी का ग्रंथ है उसमें स्थिर कठिन अवलंबन धातु हु शरीरस्य यत्र प्रतिवधयन्ते मांस पश्येयन्ताः स्नायवश्च। तो जो मांस पेशी स्नायु का आधार है उनको सपोर्ट करता है, और जो कठिनतम और स्थिर ऐसा जो कुछ भी शरीर में घटक है उसको अस्थि कहा जाता है। तो सुश्रुत चारिस्थान 5वें अध्याय में जैसे हमने अस्यते क्षिप्यते इस प्रकार से उसका वर्णन है, तो ये शरीर का ऐसा घटक है जो अधिकतम समय तक रहता है, यानी नष्ट होने के, शरीर नष्ट होने के बाद भी, और वो शरीर के क्रियाओं में भाग लेता है। क्षिप्यते यानी ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स। देन इट इज ऑल्सो टर्म एज द एक्सट्रैक्ट और सार ऑफ द बॉडी बिकॉज इट रिमेन्स आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल अदर बॉडी कॉम्पोनेंट्स। यही हम अंग्रेजी में समझ रहे हैं। तो डिफरेंट सिनोनिम्स जो है पर्यायवाची शब्द अस्थि धातु के लिए या अस्थि के लिए आयुर्वेदीय ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में आए हैं। जैसा कि पहले है किकसम, तो इससे राउंड स्ट्रक्चर्स, सो लॉन्ग बोन्स की तरह। कूलयम, इसका अर्थ होता है ट्यूबुलर और कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, एवरी बोन हैज अ कैविटी इनसाइड। सो कूलयम, नॉट कूलयम, कूलयम। देन बाद में है स्वादयितम। जो कुछ प्राणी है मांसाहारी प्राणी जैसे श्वान या डॉग, वो इसको स्वाद भरा चखते रहते हैं, इसलिए उसको यह भी पर्यायवाची नाम। मेदाह तेजाह, मेदस्तेजाह, बिकॉज मेद से क्रम परिणाम पक्ष से यह अस्थि धातु बनता है, इसलिए उसको मेदस्तेजाह इस प्रकार से कहा है। सार, तो सार यह भी पर्यायवाची शब्द है क्योंकि यह जो है संपूर्ण शरीर का सार भाग है, और मृत्यु पश्चात भी जो अधिकतम काल तक रहता है इसलिए इसको सार कहा है। उसके बाद मज्जाकृत उसका सिनोनिम, जो नेक्स्ट धातु जो है उसको निर्माण करता है। अस्थि के बाद क्या है? मज्जा धातु, क्रम परिणाम पक्ष से मज्जा पोषक अंश जो है वो अस्थि के निर्मित के वक्त ही तैयार होते हैं, इसलिए उसको मज्जाकृत भी कहा है। सातवां सिनोनिम है देह धारकम, यानी शरीर का धारण करने के लिए जो बॉडी फ्रेम तैयार होता है जिसे अंग्रेजी में स्केलेटॉन कहते हैं, और वो शरीर को बिल्कुल सीधा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। समझिए अगर दिस इज लाइक अ क्वाशियोरकर, मैंने यहाँ पे चित्र देना आपको रह गया है, तो ऑस्टियोमालेसिया में अस्थि की कठिनता चली जाती है और उसके लिए वह व्यक्ति जो है वो इरेक्ट खड़ा नहीं रह पाता, तो उसमें उसके बोन्स जो है वो कठिनतम जो होने चाहिए वो नहीं रहते, तो देह धारण कर्म उसमें अच्छा नहीं होता उस व्यक्ति में। ठीक है, तो उसमें नहीं होता माने अस्थि प्राकृत होने की वजह से वो होता है, यह सिद्ध होता है। आठवां जो सिनोनिम है वो है करकरम, यानी वो जो है वो रफ या उसका खुरदरा ऐसा उसका स्पर्श रहता है, इसलिए उसको करकरम, यह भी एक पर्यायवाची शब्द है। तो अन्य दृष्टि से भी अस्थि शब्द जो है हमें आयुर्वेदीय ग्रंथों में मिलता है, उसके कुछ उदाहरण चार यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे क्रियात्मक दृष्टि से ये जो अस्थि शब्द है वो उपयुक्त है ज्यादातर जो हम देख रहे हैं अभी तक, वो मेनली ऑफ ऑशियस और बोनी टिश्यू।
तो उसके लिए ज्यादा शब्द प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द प्रयोग किया है जो चरक संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय में जांगम द्रव्यों का वर्णन है, उसमें भी अस्थि की गणना की गई है। तो प्राणी जो पदार्थ है इस दृष्टि से एक जगह पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, तो उसमें जैसे चरक चिकित्सा स्थान पहला अध्याय, तो उसमें आमलकी का वर्णन आता है। और आमलकी जो है उसका प्रयोग, थेरापेटिक यूज उसका जो है, औषधीय प्रयोग जो है वो अनस्थि इस प्रकार से करना है। यहाँ पे अस्थि शब्द जो है वो सीड के लिए आया है, बीज के लिए आया है। तो आमलकी का बीज बहुत ही कठिन होता है, अस्थि समान होता है, और वो नहीं लेना चाहिए औषधि प्रयोग के लिए, इसलिए अनस्थि आमलकी का उपयोग करना चाहिए, ऐसे वहां पे हमें दिखाई देता है। आगे भी निरस्थि यानी जिसमें फिर अस्थि नहीं है, इस प्रकार से जैसे चरक सूत्र स्थान 27वें अध्याय में वेसवार यानी मीट सूप बनाने की कृति आई है, उसमें जो आपने मांस लेना है या मीट लेना है वो निरस्थि यानी उसमें अस्थि बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। तो यानी न केवल अस्थि धातु बट औषधीय प्रयोग या चिकित्सात्मक प्रयोग या बीज के साथ उस औषधि द्रव्य का लेना है या न लेना है, इस दृष्टि से भी हमें अस्थि शब्द या अनस्थि निरस्थि इस प्रकार से हमें शास्त्रों में मिलता है। अभी पांच भौतिक संगठन देखेंगे। जैसे आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत है पांच भौतिकम पंचभूतात्मकम तत्तु, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, अस्मिन अर्थे यानी हमारे शास्त्र के लिए। सो दो एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ फाइव फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स, दैट इज द पंच महाभूता, फंडामेंटल एलिमेंट्स नॉट प्रिंसिपल्स। सो फिर भी अस्थि धातु में जो प्राधान्य रहता है वो पृथ्वी और वायु महाभूत का रहता है। सो पृथ्वी और वायु महाभूत के जो भी गुणधर्म है वो हमें अस्थि में दिखाई देते हैं, जैसे रुक्ष और खुरदरा या खर, ठीक है। इसलिए हमने अस्थि में ये गुणधर्म क्यों है, तो उसका लॉजिकली एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है कि वो पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान ऐसा संगठन है इसलिए, ठीक है। तो परिणमन देखेंगे अभी। परिणमन यानी क्या है, अस्थि धातु की निर्मिति कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे ये मेद है, अब्डोमिन का ये चित्र है, उसमें से मेद के ऊपर, मेदो वह अस्थि वह स्रोतस में, ये स्रोतस के लिए है, और वो काम क्या करता है, अस्थ्यग्नि काम करता है और उससे ये निर्मिति होती है अस्थि धातु की। तो इसको अब समझने का प्रयास करेंगे। सो अस्थि धातु जो बनता है विशेषतः पूर्व धातु मेद से बनता है। तो यहाँ देखिए अभी ये डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन दिया है बाजू में, अस्थि पोषक अंश जो मेद धातु से मिलता है वही अस्थि वह स्रोतस में अस्थि अग्नि से वह फिर एक बार उसका दोबारा डाइजेशन होता है, या हमें सूक्ष्म पचन कहेंगे, उससे स्थायी या पोष्य अस्थि धातु बनेगा, ठीक है। और उससे ही फिर उपधातु, जैसे सुश्रुताचार्य जी नख नेल्स ये उपधातु कहते हैं और चारंगधराचार्य जी दंत को उपधातु मानते हैं अस्थि का। फिर उससे और एक चीज बनती है या हिस्सा बनता है, वो है मज्जा पोषक अंश, पर धातु पोषण के लिए। अस्थि के बाद कौन सा धातु है, मज्जा धातु है, तो मज्जा पोषक अंश उससे और एक बनता है। और फिर ये पचन में एक मल भाग भी तैयार होता है, वो है केश और मल, ठीक है। केश यानी स्काल्प हेयर्स और लोम यानी बॉडी हेयर्स। तो इस पद्धति से ग्रहणी चिकित्सा अध्याय जो चिकित्सा स्थान का 15वां अध्याय है, तो उनमें उसमें हमें ये डिटेल्स जो है वो किस प्रकार से स्थायी अस्थि धातु बनता है इसका वर्णन मिलता है। तो वहां पे जठराग्नि, धातुअग्नि और भूताग्नि, इन 13 प्रकारों का अग्नि का प्रोसेस होता है। जठराग्नि के संस्कार से आहार रस बनता है और आहार रस केदार कुल्या न्याय से हर एक स्रोतस में जाता है, ठीक है। और फिर उससे रस वह स्रोतस में रस धातु बनेगा, रक्त वह में रक्त धातु बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। और भूताग्नि की प्रक्रिया जो होती है वह भी उस स्रोतस में ही होती है। देखिए ये सबसे कठिनतम ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर या कंपोनेंट घटक होते हुए भी उसमें पोरासिटी रहती है, और वो पोरासिटी जो है वो
वायु और आकाश महाभूत का संस्कार इस पचन प्रक्रिया में होता है, परिणमन में होता है। इसलिए अभी आहार रस से अस्थि धातु बनने के लिए कितना समय लगता है, यह है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो परिणमन काल, तो चरकाचार्य जी, अस्थि धातु को बनने के लिए 5 दिन लगते हैं या आहार रस, आहार से आहार रस निर्माण होने के बाद पांचवा, ये चौथा धातु है, तो आहार रस से रस धातु पहले दिन में बनता है या 24 घंटे में बनता है, नेक्स्ट 24 घंटे जो रहेंगे उसमें आहार रस से रस धातु बनेगा, और इस प्रकार से पांचवें दिन अस्थि धातु बनेगा। यह यहाँ पे चरकाचार्य जी का ओपिनियन है। सुश्रुताचार्य जी यही काल जो है वो बताते हैं लगभग 20 दिन, यानी यहाँ पे 5 दिन एक धातु को बनने के लिए, इस प्रकार से ये चौथा धातु है इसलिए 20वें दिन ये अस्थि धातु बनता है या उसकी परिणति पूरे रूप से पूर्ण होती है। इस प्रकार से सुश्रुताचार्य जी ने अपने सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में कोट किया है। ठीक है, आगे जाएंगे तो अस्थि धातु के गुण धर्म कौन कौन से। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये पृथ्वी और वायु प्रधान, इन महाभूतों से प्रधान ऐसा घटक धातु होने की वजह से उसमें गुरु, खर, कठिन, स्थूल, स्थिर और मूर्तिमंत ऐसे गुण धर्म या प्रॉपर्टीज रहते हैं। सो गुरु यानी हेविनेस, खर यानी रफनेस, कठिन यानी हार्डनेस, स्थूल यानी बल्किनेस, स्थिर यानी स्टैटिक और मूर्तिमंत यानी उसका एक निश्चित आकार या आकृति, फिजिकल फॉर्म होता है, इसलिए उसको मूर्तिमंत ये उसकी प्रॉपर्टी बताई है। क्रियाएं क्या क्या होती है अस्थि धातु की, मुख्य क्रियाएं क्या है, तो सबसे पहले श्रेष्ठ कर्म क्या है, प्रीणनम जेवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण ही। तो धारण जो है ये चतुर्थ धातु यानी अस्थि धातु का श्रेष्ठ कर्म है, तो देह को धारण करना। तो धारण कैसे किया जाएगा, तो धारण एक तो पहले गोष्ट इरेक्ट पोस्चर वो रहेगा पहली बात, ठीक है, और फिर वो कठिनतम होने की वजह से आदर जो टिश्यूज है उनको सपोर्ट करेगा, जैसे कि मांस धातु है, मेद धातु है, ठीक है, और फिर जैसे सॉफ्ट ऑर्गन्स है से सपोज हार्ट है, लंग्स है, तो इनको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इस विभिन्न दृष्टि से मज्जा धातु को अंदर धारण करेगा, इस प्रकार से वो जो है वो संपूर्ण शरीर को देह धारण कार्य करता है। दूसरा उसका कर्म क्या है या कार्य क्या है, तो मज्जा धातु का पोषण या पुष्टि यानी पूर्व धातु परम कुरिया, इस सूत्र से क्रम परिणाम पक्ष से अस्थि धातु से मज्जा धातु बनता है या अस्थि पोषक, अस्थि में अस्थि वह स्रोतस में अस्थ्यग्नि की प्रक्रिया जब होगी तो उसमें मज्जा पोषक अंश भी तैयार होता है, और यही कार्य जो है इस दृष्टि से वो मज्जा पुष्टि कार्य अस्थि धातु का है। और तीसरा जो है अन्य जो स्ट्रक्चर्स है बॉडी के, जैसे मांस है, सिरा है, स्नायु है, उनको सपोर्ट यानी उनको आधार देना। अस्थि के उपधातु सुश्रुताचार्य जी जैसे मैंने पहले भी बताया वो नख बताते हैं, ठीक है, तो इट इज ऑल मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। तो नख जो है वो अस्थि धातु का उपधातु या बाय प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। शारंगधराचार्य जी अस्थि धातु का उपधातु दंत को मानते हैं या दंत को बताते हैं, तो ठीक है, तो हमारे दृष्टि से ये मत वैविध्य नहीं है, उन उन शास्त्रकारों की अपना शोधकर्ता की भूमिका उन्होंने प्रकट की है, और उनको जो फाइंडिंग्स मिले हैं उन्होंने वो दुरुस्त पद्धति से अपने संहिताओं में लिखे हैं, ठीक है, और ये नथिंग बट ऑल द थिंग्स आर द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर दे हैव सक्सीड बाय ऑल मींस दे हैव कोटेड इन देयर टेक्स्ट। ओके, इस दृष्टि से हम क्या सोचेंगे कि मल है, उपधातु है, इनकी चर्चा करना क्यों आवश्यक हो जाता है, थेरापेटिक या सब जो क्रिया हम कर रहे हैं ये कार्य हमें क्या करना है, आगे चिकित्सा का कार्य करना है। अगर नख की विकृति हो जाती है, दंत की कुछ विकृति है, केश की विकृति है, लोम की विकृति है, तो इन सभी चीजों में हमें अस्थि धातु की तरफ या अस्थि निर्माण जो रस अस्थि वह स्रोतस में हो रहा है अस्थ्यग्नि के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आजकल बालों की समस्या, दांतों की समस्या या नेल्स के भी समस्या बहुत नखों की रहती है, तो उस वक्त हमें अस्थि वह स्रोतस
की तरफ ध्यान देगा हो, अस्थि धातु की तरफ, अस्थि अग्नि की तरफ ध्यान देना होगा और तभी जाके हम संपूर्ण चिकित्सा, अपुनर्भव चिकित्सा कर पाएंगे। नहीं तो हम भी आयुर्वेदाचार्य जो है या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो सीमित चिकित्सक, जैसे आधुनिक चिकित्सक है वैसे ठहर जाएंगे। अस्थि का मल क्या है? तो जैसे चरकाचार्य जी सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में बताते हैं, विशेषतः केश और लोम, केश यानी स्काल्प हेयर्स और लोम यानी अन्य शरीर के भाग के ऊपर जो भी बॉडी के ऊपर हेयर्स रहते हैं, मुलायम रहते हैं अधिकतम ये, तो वो जो है वो लोम है। अभी यहाँ एक कंपैरेटिव चार्ट दिया है, तो इसमें चरकाचार्य जी क्या बताते हैं, सुश्रुताचार्य जी क्या बताते हैं और भाव प्रकाशकार कौन से मल बताते हैं, ये दिया है। देखिए चरकाचार्य जी ने केश और लोम बताया, ठीक है, अस्थि मल। सुश्रुताचार्य जी नख और रोम बताते हैं, तो रोम ये सिनोनिम लोम के लिए यानी बॉडी हेयर्स के लिए ही है। और भाव प्रकाशकार लोम और नख बताते हैं, ठीक है, क्योंकि भाव प्रकाश ग्रंथ जो है वो तुलना करे तो बहुत लघुत्रयी में से है, तो वो नजदीक काल वाला थोड़ा सा है। अभी संख्या देखिए, तो प्रमाण के दृष्टि से जैसे मांस धातु का प्रमाण जो है वॉल्यूम अंजलि स्वरूप नहीं बताया है, वैसे ही अस्थि धातु का भी अंजलि प्रमाण नहीं बताया है उसमें, क्योंकि संख्या फिक्स जो है वो बताई है। टोटल 360 वेल फॉर्म बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी आर डिस्क्राइब बाय चरकाचार्य इन शरीर स्थान 7 चैप्टर। सुश्रुताचार्य जी वही नंबर जो है वो 300 बताते हैं, लेकिन जो एनाटॉमी है साइंस उसमें 270 बोन्स जो है वो जन्म के वक्त ह्यूमन बॉडी में होते हैं ऐसे बताते हैं, और डेवलपमेंट प्रोसेस में या ग्रोथ प्रोसेस में कहना चाहिए वो फ्यूज हो जाते हैं और 270 से हो जाते हैं 206 सेपरेट बोन्स। ओके, लेकिन ये 206 नंबर में जो स्मॉल सिस्टमॉइड बोन्स है वो इंक्लूड नहीं किए हैं, ये भी हमने जानना चाहिए। ओके, आज हम एनाटॉमी का क्लास नहीं ले रहे हैं या लेक्चर नहीं ले रहे हैं, इस दृष्टि से उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है कि चरक संहिता है, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, काश्यप संहिता और भेल संहिता, इन संहिताओं में, पांच संहिताओं में हमें 360 जो है वो अस्थियों की संख्या मिलती है। आंखी की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और सुश्रुत संहिता में और भाव प्रकाश संहिता में, दो संहिताओं में यह नंबर हमें 300 मिलता है, ठीक है। आगे जाएंगे अस्थि धातु के प्रकार। तो मूलतः हमें तो पता है कि उसके पोष्य और पोषक, सो अस्थि धातु जो है वो पोष्य भी है, ओके, स्टैटिक फॉर्म है उसका, और वो पोषक भी है, तो अस्थि पोषक सॉरी मांस मज्जा पोषक अंश उससे तैयार होता है, इसलिए ये वहां पे मज्जा का भी उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जब प्रकार हम देख रहे हैं। तो पोष्य अस्थि धातु यानी फॉर्म बोन टिश्यू और जो परिणाम आपद्यमान इस पद्धति से है, यानी मांस जो आगे पहले वाला धातु कौन सा है, अस्थि के पूर्व धातु कौन सा है, तो मेद धातु है। तो मेद धातु स्थाई जब तैयार होता है तो उस वही प्रक्रिया में क्या तैयार हो जाता है, तो अस्थि पोषक अंश तैयार होता है। तो वो अस्थि पोषक अंश जो कन्वर्टेबल फॉर्म है और कंप्लीट फॉर्म जो है उसका स्थाई पोष्य धातु, ये दो मुख्य प्रकार होते हैं। फिर भी ये एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल दृष्टि से देखे तो साइज शेप पोजिशन जो है ह्यूमन बॉडी में, उस दृष्टि से अस्थि के मुख्य जो है वो पांच प्रकार आयुर्वेद ने बताए हैं। अभी ये जो है कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक, ये सुश्रुताचार्य जी ने बताए हैं। अष्टांग संग्रह का और अष्टांग हृदयकार भी यही पांच प्रकार बताते हैं, वैसे ही भाव प्रकाशकार बताते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ठीक है। अभी मैं जो पहले पोष्य और पोषक बता रहा था, ये फिजियोलॉजिकल या क्रियात्मक दृष्टि से प्रकार है। ओके, आगे जाएंगे तो ये जो सुश्रुताचार्य जी शरीर स्थान के 5वें अध्याय में कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञानी, इस प्रकार से उनकी संख्या वर्णन भी और डिटेल्स भी बताते हैं। तो कपाल अस्थि फ्लैट होते हैं, वलय अस्थि राउंड इन शेप होते हैं, तरुण अस्थि जो है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है वो लिटिल बिट सॉफ्ट इन नेचर होते हैं,
नलिका अस्थि यानी ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमरस है, देन क्या बोलते हैं उसको, फीमर है, इस प्रकार से उनको नलकास्थि या नलिका अस्थि कहना चाहिए। रुचक अस्थि यानी टिथ, ओके, जिससे भोजन में रुचि आती है चबाने के बाद, इसलिए उसको रुचक अस्थि कहते हैं। तो ये आयुर्वेद के दृष्टि से वर्णन हमने अस्थियों के प्रकार का देखा। शरीर में अस्थि धातु जो है संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर कहाँ उसके हमें कार्य दिखाई देते हैं, उसमें उसको उन स्थान, उन जगह को, उन अवयवों को हम स्थान कहेंगे। तो अस्थि वह स्रोतस एक महत्वपूर्ण स्थान या साइट या लोकेशन है अस्थि धातु का। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अस्थि वह स्रोतस के मेद और जघन यानी विशेषतः हिप रीजन, ऐसे उसके दो मूल स्थान बताए हैं चरकाचार्य जी ने स्रोतो विमान अध्याय में। और उसका एक स्थान है, वह है अस्थि धरा कला। अस्थि धरा कला जो है विशेषतः यह संबंधित हुए रहती है, एक एक प्रकार का लेयर है या आउटर कवरिंग कहेंगे हम जिसे, और कुछ लोग तो इसको इनर लेयर भी समझते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और अस्थि धरा कला और पुरीष धरा कला, इसका बहुत ही इंटर रिलेशन है। सो या एव अस्थि धरा कला सा एव मज्जा धरा कला, या एव अस्थि धरा कला सा एव पुरीष धरा कला, ऐसे भी सूत्र हमें ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका क्रियात्मक दृष्टि से और थेरापेटिक या डायग्नोसिस दृष्टि से भी इसका बेहद महत्व बहुत अच्छा हमें दिखाई देता है। और वही उस दृष्टि से हम अगर चिकित्सा करें तो हमें 100% रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो मेदोधरा कला जो है वो रिप्रेजेंट करती है विशेषतः स्मॉल बोन्स यानी अनुवस्थि को, ठीक है। और अनुवस्थि जो है उसको सरक्त मेद भी कहा है, उसके अंदर सरक्त मेद होता है, रेड बोन मैरो उसमें होता है, ठीक है। तो जो लेयर इनसाइड द लॉन्ग बोन्स होते हैं उसको हम मज्जा या बोन मैरो कहते हैं, और सरक्त मेद किसे कहते हैं, जो अनुअस्थि के अंदर होगा। तो मेदो धरा कला में हमने ये चीज देखी है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है, क्योंकि पुरीष धरा और अस्थि धरा कला का एक दूसरे से संबंध है। आगे थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। रचनात्मक दृष्टि से जो मर्मों के 207 मर्म टोटल बॉडी में होते हैं, लेकिन उनमें से भी क्रियात्मक दृष्टि से भी या परिणाम के दृष्टि से प्रकार बताए और रचनात्मक दृष्टि से मर्मों के प्रकार बता दें, तो उसमें से 8 जो वाइटल पॉइंट्स यानी मर्म स्थान है वो प्रधानतः वहां पे स्ट्रक्चर जो रहता है वो अस्थि धातु या बोन्स रहता है, ऐसे सुषुप्ताचार्य शरीर में हमें 6th चैप्टर में मिलता है। विशेषतः ये जो 8 बिंदु या जगह है, वाइटल पॉइंट्स है, वो कटिक तरुण मर्म, नितंब मर्म, अंश फलक मर्म, शंख मर्म, ये प्रत्येक 2 है, तो ये 8 जो है वो होते हैं। तो अभी ये कटुक तरुण वो कहाँ होते हैं, ठीक है, नितंब कहाँ होता है और अंश फलक शंख कहाँ होता है। अभी कटिक तरुण आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, देखिए मैं अभी एरो ये देख रहा हूँ कर्सर आपको, तो कटिक तरुण कहाँ पे है, यहाँ पे जो लोअर ओरिजिन रहते हैं हिप्स के, सॉरी बटक्स के, तो उसके ऊपर ये कटिक तरुण 2 देखेंगे अपन, लेफ्ट और राइट। उसके बाद अंश फलक है, तो अंश फलक अस्थि किसे कहते हैं, स्कैपुला को कहते हैं। तो ये फलक यानी फ्लैट बोन रहता है वो, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, अंश फलक यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसके बाद में ये नितंब मर्म बताए हैं 2, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट, ठीक है। इनका लोकेशन हम मर्म स्थान में या मर्म शरीर जब देखेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल्स हम इसके स्ट्रक्चर्स का देखेंगे, लेकिन मेनली देखिए ये जो बोन्स है रिलेटेड विद पेल्विक गर्डल रहेंगे, विशेषतः कुकुंदर मर्म और नितंब मर्म, ठीक है। और ये अंश फलक मर्म जो है ये रहेंगे स्कैपुला, जिसे एनाटॉमी कहा जाता है, उससे निगड़ित। और 2 बताए, ये 6 हो गए। शंख मर्म देखिए, ये शब्द, ये जो आकृति है वहां पे, ये टेम्पोरल रीजन जो है वहां पे, ये डीप रीजन रहता है, तो वहां पे लेफ्ट और राइट ऐसे 2 शंख मर्म होते हैं। टोटल ये 8 जो है ये रचनात्मक दृष्टि से
ये अस्थि मर्म है। आगे है अस्थि संघात। तो अन्य धातुओं के बारे में ये नहीं बताया, लेकिन अस्थियों के बारे में बताया है अस्थि धातु के। अस्थि संघात यानी अंग्रेजी में उसको हम कॉन्फ्लुएंसेस इस तरीके से समझेंगे। तो ये कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ बोन्स आर 14 इन नंबर। तो दो या तीन नहीं, तो जहां पे मेनी बोन्स टुगेदर रहते हैं, ऐसे जो स्थान है जिसे हम कंपाउंड जॉइंट या कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी कहेंगे, तो वो है गुल्फ संधि, जानु और वंक्षण प्रदेश। ये विशेषता लोअर एक्सट्रीमिटी में या पैरों में ये स्थान, और हाथों में मणिबंध, कुरपर और कक्षा। तो ये है दो दो है। तो इस दृष्टि से ये सात प्रदेश हो गए, और 7 × 14 यानी 14 स्थान, सॉरी 3 3 हो गए, तो 6 × 12, 13वां जो है वो त्रिक प्रदेश में होगा, यानी लोअर बैक में, बैक साइड से या पोस्टेरियर रीजन से लोअर बैक में, जिसे त्रिकास्थि भी कहते हैं, यानी सैक्रल रीजन। और 14वां जो है वो स्कल या शिरा है, जहां पे अनेकों बोन्स रहते हैं। अब स्कल में कैसे रहेंगे, तो वहां पे भी जो सीमन तमर में या सूचर्स बताए हैं, तो क्रैनियल बोन्स जो है वो वो इससे मिलती है। ओके तो ये प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क और सपोर्ट टू द बॉडी। तो जैसे पेशी है, स्नायु है, सिरा है, इनको आधार देता है अस्थि धातु। सेकंड, वो नेक्स्ट धातु जो है मज्जा धातु, उसको निर्माण करने में सहायक होता है या उससे ही निर्मिति होती है। तो ये दो मुख्य कार्य बताए, और हमने श्रेष्ठ कर्म तो देखा ही अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, वो क्या है, धारण कार्य, और धारण से ही स्ट्रक्चर और सपोर्ट ये शब्द बनते हैं। फिजियोलॉजी जो है उस दृष्टि से अगर देखें, तो फिर मैकेनिकल सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म, इन तीन कार्य, तीन दृष्टिक्षेप से अस्थि धातु के या बोन टिश्यू के रहते हैं। तो मैकेनिकल काम क्या है, कार्य क्या है उसका, तो प्रोटेक्शन है। तो अंदर के जो भी धातु है या स्ट्रक्चर्स है उनको वो संरक्षित करता है। जैसा मैंने बताया, हृदय है, फुफ्फुस है, एब्डोमेन में इलियम्स रहते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यूटरस रहता है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो पेल्विक गर्डल से प्रोटेक्टेड है। सबसे महत्वपूर्ण मस्तुलुंग या ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है शिर के अस्थि जो है उनकी वजह से, जिनको कपालास्थि कहा जाता है। आगे है मूवमेंट। ओके, प्रोटेक्शन के बाद है मूवमेंट। तो ये जो क्रियाएं हैं, हाथ की हो, पैर की हो, रीढ़ की हड्डी की हो, वो सभी अस्थि धातुओं की वजह से ही हम कर पाते हैं। हियरिंग, तो तो इसी से हमें पता चलता है कि ये कुछ निर्मिति का या उत्पत्ति का भी कार्य करते हैं। तो ये फिजियोलॉजी से, मॉडर्न जो फिजियोलॉजी है से है उससे लिया है, आयुर्वेद के साथ इसका इंटरप्रिटेशन मैं नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट, जो तीसरा फंक्शन मैंने बताया है वो मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है तो उसको समझेंगे, बोन टिश्यू रेगुलेट्स दी एसिड बेस बैलेंस, स्टोर्स द कैल्शियम एंड फैट सेल्स, इट्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन बाय कंट्रोलिंग द फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है ये बोन का या बोन टिश्यू का। इट रिलीजेस फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ओके, एफजीएच, सॉरी एफजीएफ, और
which acts on kidneys to reduce the phosphate reabsorption. The bone cells also release a hormone called osteocalcin, and this contributes to the regulation of blood sugar, that is the glucose and fat deposition. So इस दृष्टि से मॉडर्न फिजियोलॉजी भी जो है वो बोन टिश्यू के सर्टेन जो है वो कार्य या फंक्शंस बताते हैं, उसमें से अधिकतर जो है वो आयुर्वेद के वर्णन से मिलते जुलते हैं। अभी ये अस्थि धातु जो है उसके विकृति के कारण क्या है? तो अस्थि वह स्रोत यानी बोन से रिलेटेड सिस्टम, अगर इसको हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो विमान स्थान पांचवें अध्याय में जो भी स्रोतों का वर्णन है उसमें से अस्थि वह स्रोत दृष्टि के जो कारण है वो आहार और विहार दोनों दृष्टि से वहां पे वर्णन किए हैं, उसको ही हम अस्थि धातु के विकृति के कारण बताएंगे यहाँ पे, या मानेंगे या वैसे ही समझेंगे, क्योंकि वही चिकित्सा के लिए हमें उपयुक्त है। विशेषतः जो आहार्य पदार्थ है वात दोष को बढ़ाने वाले, क्योंकि आश्रय श्री भाव से हमें पता है तत्रास्थानी स्थितो वायु, अष्टांग हृदयकार बताते हैं, यानी अस्थि में अस्थि आश्रय है किसका? वात दोष का, वायु का। तो इसलिए वात के समान जो आहार विहार है, जो वात को बढ़ाने वाला है, वो सभी जो है वो डायटरी कॉज या आहार कारण हो गए अस्थि धातु को दूषित करने वाले। तो सबसे पहले वो गुणधर्मात्मक दृष्टि से उसका वर्णन करेंगे, तो जो पचने में हल्के है, रुक्ष है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, चल है, ये वात के गुण है, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल आहार। तो इन गुणों के समान जो आहार किया जाएगा वो हमें अस्थि धातु दूषित करने वाला जानना चाहिए। और विहार कौन सा है? अधिक फिजिकल एक्सरसाइज जो है, कुछ कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज या व्यायाम की तरफ इतने अलर्ट हो जाते हैं कि दिन भर वही करते रहते हैं, तो वो भी जो है वो फिजिकल अत्यधिक एक्सरसाइज जो है बॉडी कैपेसिटी से ज्यादा, वो भी वातवर्धक ठहरेगा, ठीक है, ठहरेगा। एक्सेसिव जर्क्स टू द बॉडी है, जैसे जर्क की मूवमेंट्स, ब्रेक डांस है, या हैवी व्हीकल्स है जैसे जेसीबी इत्यादि पे काम करने वाले है जिसमें कंटिन्यूस वाइब्रेशन आते हैं, या ऐसा व्हीकल हम यूज कर रहे हैं जिसमें शॉक प्रूफ मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, तो वो भी रोड सरफेस बैड होने की वजह से जर्क्स में ही आ जाएगा। एक्सेसिव प्रेशर ओवर बोन्स, किसी आघात में एक्सीडेंट में अगर हो जाता है अस्थि धातु के ऊपर आघात, तो वो भी अस्थि धातु या अस्थि स्रोत का विकृति का प्रधान कारण है। अभी विकृति जो मुख्यतः देखी जाती है वृद्धि और क्षय, इन दो स्वरूप में देखी जाती है। तो अष्टांग हृदयकार सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में हमें इसे समझाते हैं, तो सुश्रुताचार्य जी का कोटेशन सामने आप देख रहे हो 15वें अध्याय का, तो अस्थि अध्यस्थिनी अधिदंताश्च, यानी जो भी अस्थि शरीर में होने चाहिए पर्टिकुलर नंबर या साइज शेप बता रहे हैं, उसमें ग्रोथ रहती है या ज्यादा नंबर में रहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा टूथ या अधिक मात्रा में एकाध अस्थि रहना, जैसे नेक कॉलर रहती है किसी किसी को ज्यादा परशुकाएं, या रिब्स वहां पे नेक रिब रहती है, तो ये एक एक्स्ट्रा बोन भी हुआ, या बोन के ऊपर ग्रोथ जो है ये अस्थि धातु का वृद्धि का लक्षण है जो क्लिनिकल सिम्टम्स के तौर से हमने लेना चाहिए। अस्थि धातु क्षय क्या है? तो विशेषता अस्नाम अस्थितोदाह सदनम दंत केशन अखादेशु, और सुश्रुताचार्य जी बताते हैं अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंत नख भंगोर औक्षम च, यानी विशेषतः जो केशपात या केश शातन होता है, नख और दंत की विकृति होती है, वो व्यक्ति हमेशा जो है वहां पे एक शब्द प्रयोग आया है सदन, यानी उसको फटिग हो जाता है, यानी उसमें बिल्कुल ही ताकत नहीं रहती उस व्यक्ति में, लूज ज्वाइंट्स हो जाते हैं, पेन इन द बोन्स या वेदना होती है अस्थि में विशेषत्व से, रुक्षता आ जाती है, और जैसे मैंने पहले बताया दंत और नख जो है वो आसानी से टूटते हैं, ये अस्थि क्षय का लक्षण है। अस्थि वह स्रोत दृष्टि है संपूर्ण, ये कैसे जानना चाहिए? तो यह भी चरक शार स्थान 28वें अध्याय में हमें अस्थि प्रदोष जो विकार में एक्चुअली मिलता है, ठीक है। तो अस्थि प्रदोष जो विकार में विशेषतः वहां पे हमें दंत केश नख जो है वो
विशेषतः दुष्टि के लक्षण वहां दिखाई देते हैं, और वहां पे अध्यस्थि, अधिदंत भेद यानी स्प्लिटिंग ऑफ टीथ, स्प्लिटिंग ऑफ हेयर्स जो ज्यादा कॉम्प्लेंट आती है, सीवियर पेन इन द बोन्स, विशेषतः विवर्णता यानी इन चीजों में विवर्णता आ जाएगी, संगावयव में केश जो है उनकी विविध विकृतियां, मश्रु यानी दाढ़ी इसकी या मूंछों की विकृति आ जाएगी, या भुवैया जो है आई लैशेस देन आईब्रोज इसकी भी विकृतियां हमने जोड़नी चाहिए अस्थि वह स्रोत से या अस्थि धातु दुष्टि से। अस्थि सार जो पुरुष के लक्षण बताए हैं वो विमांसा 8वें अध्याय में मिलते हैं, जिसमें अस्थि धातु श्रेष्ठ स्थिति में विद्यमान होता है। तो विशेषतः अस्थि धातु का इसेंस यानी श्रेष्ठतम भाग जिसमें रहेगा, तो विशिष्ट अवयव जो है वो प्रामिनेंट रहेंगे, जैसे पार्श्नी यानी हिल्स, गुल्फ, जानु, देन एल्बोज, ठीक है, और विशेषतः जत्रु यानी कॉलर बोन्स, बाद में चिबुक, शिर, पार्श्व प्रदेश, विविध संधियां, अस्थि और दांत, ये जो है वो प्रोमिनेंट यानी आकार में बड़े हेवी मैसिव दिखाई देंगे, और इन व्यक्तियों का जो फोर्टिट्यूड कथन किया है, उनकी जीवन धारा या जीवन शैली कैसे रहेगी, फोर्टिट्यूड कैसे रहेगा, वो हाईली इंथुजियास्टिक, एक्टिव और एंड्योरिंग, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फर्म बॉडी स्ट्रक्चर्स, और इसी दृष्टि से उनकी आयु भी जो है वो ज्यादा रहती है। अभी चिकित्सात्मक दृष्टि से देखें तो विशेषतः अस्थि धातु के विकृतियों में हमने पंचकर्म का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, और विशेषतः जो बिटर काइंड ऑफ ड्रग्स जो है यानी कड़वे, ठीक है, जो विशेषतः बने हुए रहते हैं दूध और घी के साथ, जैसे तिक्त क्षीर बस्ती है, तो इस तिक्त क्षीर बस्ती का जो है प्रयोग करना चाहिए अस्थि धातु के विकृति में, जैसे लंबर स्पॉन्डोसिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डोसिस है, कहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसे अनेक चिकित्सा प्रयोग हम कर चुके हैं या हमारे पूर्वजों ने भी किए हैं, अनेकों थीसिस के ऊपर हुए हैं, बहुत ही उपयुक्त ऐसी है चिकित्सा पद्धति है अस्थि क्षय में, ठीक है, अस्थि क्षय के जो लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई केश पतन हो रहा है सर के ऊपर, बाल के ऊपर, और दे कहाँ रहे हैं, एनिमा पद्धति से औषधि दे रहे हैं, इसीलिए रुग्णों को हमने समझाना चाहिए कि देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन अस्थि एंड केश, ओके, सो हमने ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाने की आवश्यकता है, तभी वो आयुर्वेद चिकित्सा का अंगीकार करेंगे, और रिजल्ट अगर दिखाएंगे आप तो अंगीकार तो उन्होंने करना ही करना है आयुर्वेद का। अगर आगे सुश्रुताचार्य जी सूत्र स्थान 26वें अध्याय में अगर फॉरेन बॉडी जो है विशेषतः वो बोन में चली जाती है तो वहां पे कौन सी चिकित्सा करना चाहिए, तो स्नेहन, स्वेदन और उसके बाद विशिष्ट पद्धति से बंध वहां पे बांधने के लिए कहा है, जिससे वो बोन में गया हुआ जो शल्य है अस्थि धातु में वो निकल आएगा। देन आगे हमें कुछ प्रिपरेशन शमन चिकित्सा के ऐसे मिलते हैं ग्रंथों में, जैसे कुक्कुटांडत्वक भस्म है, अजास्थि भस्म है, प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी है, इनमें डायरेक्टली अस्थि धातु के समान गुणधर्म होने की वजह से इनका प्रयोग अस्थि क्षय में या अस्थि धातु क्षय में किया जा सकता है। तो यहाँ आज हम समाप्त करेंगे, आपकी जो भी शंकाएं हैं, सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है आज, लेकिन कुछ है तो मैं जरूर आपको 1-2 मिनट का समय देता हूँ, तो उसमें हम आज चर्चा करेंगे प्रश्नों के ऊपर। आज यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।